एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब्दुल कलाम रोड पर यह धमाका हुआ है, धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं। स्पेशल सेल जो कि स्पेशलाइज्ड यूनिट है इस तरीके के बम धमाकों से डील करने के लिए, वो मौके पर पहुंच चुकी है। अब्दुल कलाम रोड पर यह धमाका हुआ है। मनोज वर्मा हमें लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की अभी कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है जिससे ये पता चल सके कि ये लो इंटेंसिटी धमाका था या हाई इंटेंसिटी धमाका, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अब्दुल कलाम रोड जो है उसमें कई बड़े देशों की एम्बेसीज मौजूद हैं। ऐसे में बहुत ही हाईली सिक्योर्ड एरिया इसको माना जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, इजरायली दूतावास के पास ये आईडी ब्लास्ट हुआ है कि अब से पहले एक बार पहले भी इजरायली एम्बेसडर को निशाना बनाया गया था, उनकी कार के ऊपर एक बम चिपका दिया गया था और इस बार फिर ये जो धमाका हुआ है ये इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ है। इस धमाके में 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। दिल्ली की अब्दुल कलाम रोड पर यह धमाका हुआ है और इजरायली एम्बेसी के पास है ये कोठी नंबर 6। वहां पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी पार्किंग में उसमें 3-4 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अभी जानमाल का कितना नुकसान है इसकी कोई अभी सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है, मौके पर पहुंच चुकी है। और बड़ी खबर, क्योंकि देश में आज बीटिंग द रिट्रीट हो रहा है, इस समय राष्ट्रपति और तमाम अन्य वीवीआईपी मूवमेंट है इस समय नई दिल्ली के इलाके में, और ऐसे में अब्दुल कलाम रोड पर यह ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं खबर जरूर चिंताजनक है। और ये तस्वीरें भी हमें मिलने लगी हैं फुटपाथ पे, कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अब्दुल कलाम रोड पर कोठी नंबर 6 और इजरायली एम्बेसी जो है वो पास है। आईडी ब्लास्ट है ये। हालांकि अभी जो इंटेंसिटी है उसका अंदाजा नहीं है कि वो हाई इंटेंसिटी है, लेकिन हाँ जो खबर मिल रही है उसमें 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन हो रहा है, गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है ये और तमाम वीवीआईपी इसमें हिस्सा लेते हैं। खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सीडीएस सब इस समय मौजूद है वहां पर। मनोज वर्मा एक बार हमसे फिर जुड़ रहे हैं। मनोज, मैं पूरा अपडेट चाहूंगी इस खबर पर, ये किस इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्पॉट है वह इस वक्त वहां पर पहुंच चुका हूं और पुलिस ने जो है स्पॉट को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लिया है, रास्ते को बंद कर दिया गया है और पुलिस के तमाम जो आलाधिकारी है वो यहां पर मौजूद है। और अभी किस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है उससे कहीं ना कहीं जो आशंका है वो खतरे की ही नजर आ रही है। हालांकि मीडिया को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और पुलिस के जो तमाम आलाधिकारी है वो मौके पर मौजूद हैं और अभी जो जानकारी मिलेगी वो आप। बिल्कुल मनोज, हम देख सकते हैं पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पुलिस बल ने सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे इलाके को घेर लिया है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मौके पर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। इसको अभी ये पता नहीं है हालांकि कि ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है या मीडियम इंटेंसिटी, लेकिन 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं ये खबर आ रही है। मनोज, कोई अपडेट आपके पास? और इजरायली एम्बेसी को पहले भी एक बार निशाने पर लिया गया था, इजरायली एम्बेसी के जो कर्मचारी थे उनकी गाड़ी पर बम चिपका दिया गया था और अब एक बार फिर यह धमाका क्योंकि अब्दुल कलाम रोड पर हुई और जहां पर इजरायली एम्बेसी मौजूद है, तो यह मामला बड़ा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। मनोज, कोई अपडेट आपके पास? और हम आपको बता दें कि बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन इस समय चल रहा है, तो तमाम वीवीआईपी मूवमेंट नई दिल्ली इलाके में इस समय हो रहा है और ऐसे में अब्दुल कलाम रोड पर इस तरीके का ब्लास्ट खबर चिंताजनक है। हालांकि पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश कि कौन हो सकता है इस ब्लास्ट के पीछे, और पूरी जो फॉरेंसिक की टीम है वो पहुंचेगी। पूरे जो जिस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है वो जानकारी कुछ ही देर में हमें मिलने लगेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें पता चला है कि अब्दुल कलाम रोड पर ये ब्लास्ट हुआ है कोठी नंबर 6 के पास और इस कोठी नंबर 6 के पास ही इजरायली दूतावास है। मनोज वर्मा, क्या अपडेट? आपको बताना चाहेंगे कि स्पेशल सेल की टीम यहाँ पर मौजूद है और आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि
यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर ही इजरायली दूतावास है और उसके पास ही ये धमाका हुआ है। जो पुलिस के तमाम आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी ये जानकारी ऑफिशियल नहीं की गई है कि आखिरकार ये धमाका किस वजह से हुआ या ये कोई किसी की साजिश थी, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। तमाम आलाधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, क्या ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था या क्या था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर फोर्स को लगाया गया है, पूरा जो रास्ता था उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, उससे कहीं ना कहीं ये ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी की साजिश हो सकती है, क्योंकि तमाम पुलिस के अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ गाड़ियों के शीशे भी यहाँ पर टूट गए हैं। मनोज, जब स्पेशल सेल की टीम पहुंची है तो ये तो साफ है कि ये कोई ना कोई इस पूरे जो विस्फोट है इसको आतंकी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है। हालांकि पुलिस ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है, क्या जानकारी है आपके पास इस बाबत? बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल की टीम पहुंची है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई साजिश ही नजर आती है और पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये जो धमाका था वो किस वजह से हुआ था। लेकिन इतना जरूर है कि धमाके की वजह से गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, ये बात ऑफिशियली जो है मतलब पुलिस ने बता दी, हमारे सूत्रों ने बता दिया है कि धमाके की वजह से शीशे गाड़ियों के टूटे हैं और इजरायली दूतावास यहाँ से बिल्कुल 150 मीटर की दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं जब डिटेल्स सामने आएंगी तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ, क्या ये कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी या ये किसी और चीज से धमाका हुआ। तो अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा जिस तरीके से स्पेशल सेल यहाँ पर मौजूद है, तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे इलाके को, इस पूरी सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश। मैं आपको रोक रही हूँ मनोज, ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी मौजूद है। ओम प्रकाश, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई जानकारी आपको मिली है स्पेशल सेल की टीम, क्योंकि वहां पहुंची है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको आतंकी साजिश से जोड़ के देख रही है दिल्ली पुलिस। सबसे पहले हालात में दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव से जो आधिकारिक तौर पर मेरी बात हुई है उसके मुताबिक SN श्रीवास्तव ने साफ तौर पर यह बताया है कि ये राजेश पायलट मार्ग है और राजेश पायलट मार्ग से इजरायली दूतावास की थोड़ी सी दूरी है और वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी, गाड़ियों के पीछे एक कुछ झाड़ियां हैं और झाड़ियों के पास एक बोतल में कुछ स्प्लिंटर्स थे और उसके अंदर संभवतः अभी तक की जो शुरुआती जानकारी है जो ABP न्यूज अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है, अमोनियम नाइट्रेट होने का उसमें शक है और उस बोतल के अंदर ये बम रखा गया। कितने बजे की कॉल थी, क्या कॉल थी आपके पास? पौने छह के लगभग की। और क्या कॉल थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता, शीशे तीन गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, हमने नंबर ले रखे। आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की? एड्रेस दे रखा है, तुगलक रोड। औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था, कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियां नहीं देखी थी, हमने जब पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी, कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ। कितने बजे की कॉल थी आप थोड़ा बता दें एक बार वापस से, क्या आप लोगों को पता चला? हमें 5:45 बजे के करीब जी, क्या पता चला आपको कि बम ब्लास्ट हुआ है? अच्छा, तो वहाँ गाड़ी सहायता भेजी जाए। आप वहाँ कोई इंजर्ड हुआ है? इनको बोलने दो, तो मैं भी तो पूछूंगा ना यार, बात कर रहा तू अपनी बात बताइए। हम जो है वहाँ से चले, जो यहाँ पहुँचे हैं कनॉट प्लेस से आए, यहाँ पहुँचे तो इस टाइम ये सारा एरिया कवर कर रखा था, आगे जाने से मना कर दिया, गाड़ी खड़ी है, हम तैनात खड़े हैं, अगर कोई बात होती है तो उसके लिए। हम कॉल क्या आई थी? कॉल ये आई थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। जनाब, आपको वहाँ पर कुछ मिला क्या स्पॉट पर? आपको कुछ मिला? स्पॉट पे हम गए, हमारे साथ दमकल विभाग के अधिकारी है, हम उनसे मीडिया भाई, कैमरा नहीं चला पाऊंगा, ये कैमरा ले लेंगे। चले बड़ी खबर बता दें कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। ब्लास्ट में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तीन गाड़ियों के शीशे टूटने की बात सामने आ रही है। ओम प्रकाश, अगर तीन गाड़ियों के शीशे टूटे हैं तो ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट कहा जाएगा? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव के मुताबिक ये जो धमाका हुआ है ये इजरायली दूतावास से लगभग 50 मीटर दूर गाड़ियां खड़ी हुई थी और जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उसके पीछे झाड़ियाँ हैं। जो स्पेशल सेल की टीम और जो वहाँ पर आतंकवादी निरोधक दस्ते की टीमें वहाँ पहुँची हैं
उसकी जांच से ये पता चला है कि ये जो बम है संभवतः एक बोतल में रखा गया रहा होगा। दूसरी अहम बात कि जो इनिशियल जांच है उसके मुताबिक ये अमोनियम नाइट्रेट इसमें संभवतः रहा होगा। तीसरी अहम बात जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव के हवाले से है कि इस मामले में अभी तक किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। सबसे अहम बात है कि इसको आतंकी साजिश से जोड़ के देखा जाए या ना जोड़ के देखा जाए ये तो जांच के बाद होगा, लेकिन एक अहम बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि इसके पहले भी इस तरह की कोशिशें इजरायली दूतावास या उसके आसपास होती रही हैं, लेकिन आज एक ऐसे अहम दिन पर यह धमाका हुआ है जबकि इसको आतंकी साजिश से जोड़ा जा सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पर जितने भी स्प्लिंटर्स हैं, मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को वहां स्प्लिंटर्स भी मिले हैं। नीरज पांडे वहां मौके पर मौजूद है। नीरज पांडे, क्या लग रहा है, ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, क्या जानकारी पुलिस किससे आप निकाल पा रहे हैं? देखिए अभी पुलिस इस पर कुछ बोल रही नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है इसराइल एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और मैं जिस समय जहां पे खड़ा हूँ ये एपीजे अब्दुल कलाम रोड का कनेक्टिंग रोड है, जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड और पृथ्वीराज रोड दोनों को जोड़ता है, ये वहां पे है। यहां से करीब 500 मीटर आगे आप देख रहे होंगे ये 2 बसें खड़ी हुई हैं डीटीसी की, ये रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और ये दिल्ली पुलिस ने यहां पे इस रास्ते को ही पहले से ब्लॉक कर रोक दिया है। ये आप देखिए रोड क्लोज्ड कॉर्डन ऑफ किया है दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस के यहाँ पे जवान मौजूद है। नीरज आगे नीरज, आपको देख रहे हैं मीटिंग रिट्रीट का फंक्शन चल रहा है, तमाम वीवीआईपी मूवमेंट इस समय नई दिल्ली के इलाके में हो रहा है। नीरज इस समय बीटिंग द रिट्रीट का जो गणतंत्र दिवस का समापन समारोह है वो चल रहा है, तमाम वीवीआईपी मूवमेंट इस समय इस सड़क की क्या अहमियत हो जाती है उस जगह से लोगों के अपने घर वापस पहुंचने में लुटियंस दिल्ली में? जी बिल्कुल, बहुत अहमियत है इस रोड की क्योंकि लुटियंस जोन का ये सबसे चर्चित एरिया है, सबसे प्रमुख रोड है एपीजे अब्दुल कलाम रोड और पृथ्वीराज रोड, इन दोनों रोड्स पे बहुत सारे वीआईपीज रहते हैं, कई एम्बेसीज हैं, होटल्स हैं, क्लर्जेस होटल है, जस्ट बगल में ये होटल ताज है, आपको दिखा दे होटल ताजमहल है और ये ताजमहल का ही एरिया है। तो यहाँ से जितने अभी बीटिंग रिट्रीट खत्म हुई है सारे वीआईपीज लगभग इधर से गुजरेंगे। इस रोड पर आगे आप थोड़ी सी आगे जब बढ़ेंगे तो कई राज्यों के जो भवन हैं वो हैं, जोधपुर हाउस इसी नागालैंड भवन इसी रोड पर है, कई महत्वपूर्ण सड़क है और यही रोड सीधे प्रधानमंत्री आवास के लिए भी जाती है। मैं आपको बता दूं ये रोड अगर आप बात करें तो आगे सीधा तुगलक रोड से मिलते हुए सीधा प्रधानमंत्री आवास के लिए भी ये रोड जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास इस रोड से महज 1.5 किलोमीटर 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में प्रधानमंत्री आवास है। इस रोड जहां पे ये ब्लास्ट बताया जा रहा है उस ब्लास्ट के 2 किलोमीटर की दूरी में प्रधानमंत्री जी का आवास है। तो इस रोड की बहुत सारी अहमियत है क्योंकि इस रोड के आसपास बहुत सारे वीआईपीज रहते हैं, कई केंद्रीय मंत्री रहते हैं, उनके आवास है सरकार। नीरज जरा मैं आशीष का रुख करना चाहूंगी, आशीष क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए बड़ी जानकारी ये मिल रही है हमें कि ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल हुआ था, संभवतः आईईडी ब्लास्ट है और पेवमेंट के पास इसको रखा गया था जो कि ब्लास्ट हुआ है, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है।